गरीब दुश्मनी के खिलाफ कोस्ट गार्ड कैंप पे भी मां निश्चय को धरना देगा। महारोदा ही एहतजाज कर रहे हैं कि फोर्सेज होती रवैया दोस्त फेंकना और कोस्ट गार्ड शिकला भी या एफसीए शिकला भी। हम ये बार बार बता रहे हैं कि जितने फोर्सेज हैं वो अपना रवैया दुरुस्त करें, कोस्ट गार्ड हो या एफसी हो या समंदर के अंदर मैरीन नेवी ये के हो, इनके दिमाग में खन्नास है। खन्नास ओ खन्नास ये है कि बलूचिस्तान के हमारे बाप की जागीर बलूचों की नहीं है और लोग बलूचिस्तान में इस नीयत से आए हैं कि ये अपने बलूचिस्तान पे कब्जा किया है, गुलाम बनाया लोगों को। असल मसला ये है हमारे साथ। ये रवैया जब तक इनका दुरुस्त नहीं होगा, ये खन्नास नहीं होगा, करेगा दिमाग से बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। कल हमारी एक बहन ने केज की एक बहन ने कराची में खुद को हमला किया है, मैं उसको अपनी बहन कहता हूँ, तालीम याफ्ता बहन, आला तालीम याफ्ता बहन, पढ़ी लिखी बहन, वो क्यों खुद को हमला करती है? कभी इदारों ने सोचा है? कभी तहकीकात की है? कभी इस पे मीटिंग की है? कभी इस पे सर जोड़ के बैठे हैं कि एक तालीम याफ्ता बहन, केज की एक बहन, एमफिल की एक तालिबिल, डबल एमए करने वाली तालिबिल अपने जिस्म पे बम बांधकर कराची में खुदकुश करती है? क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि तुम लोग फोर्सेस एक किलो केज में एफसी वाले एक किलो की कंटेनर नहीं, एक किलो की केज वालों को इजाजत नहीं है कि आराम से घर ले। एक किलो की एक पूरी आटा उनको इजाजत नहीं है कि घर ले जाए। हाँ, जर्नेलों को इजाजत है, पाकिस्तान दो टुकड़े भी करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जर्नेलों कर्नेलों को, कोस्ट गार्ड का कर्नल एक महीने में करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, कोस्ट गार्ड का मेजर मोहल्ला का मालिक बन जाए, लेकिन बलोच गरीब कायक से काम ना करे। जैसे कोस्ट गार्ड वालों को बहुत तकलीफ होती है जब गरीबों को काम करने देखते हैं। हाँ, कोस्ट गार्ड वालों का मंशा क्या है? कोस्ट गार्ड वाले चाहते हैं कि तुम लोग तरियाक का कारोबार करो, चर्च का कारोबार करो, इरविन का कारोबार करो, शराब का कारोबार करो। कोस्ट गार्ड को तकलीफ ये क्या, घी का क्यों कारोबार करते, तरियाक का करो। हम लैंड करेंगे, हम आपको लैंड करेंगे, बताएंगे किस रात के किस टाइम शराब उतारना है ये हमें बता देंगे, रात के कितने बजे तरियाक का कंटेनर किस चेक पोस्ट से गुजरेगा ये गेट वाले बताएंगे, लैंड करेंगे। शर्म नहीं आती है नेताओं को, की का कारोबार मने। परसों रात तीन बजे मैं यहाँ से दफ्तर से गया घर, सोया नहीं था, तीन खवातीन घर आई थी रात तीन बजे उनका बोर्ड इन जालिमों ने पकड़ा। माए बता रही थी मैंने सोना अपना बेचकर अपने बेटे को वोट दिया, इन जालिमों ने उनको पकड़ा रात तीन बजे। अब
घर से हमारी बलोच औरतें दिन को घर से निकल नहीं थी, रात 3 बजे वो सुर बंदर आई, रात 3 बजे शहरी के टाइम। ये इन जालिमों जालिम के दिल नहीं है, इनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा। कोई काइक पकड़े ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के टैंक पकड़ा है इन्होंने। घी ऐसा पकड़ते हैं जैसे कश्मीर आजाद किया है। पेट्रोल ऐसे पकड़ते हैं जैसे सियाचिन आजाद किया है। ये रवैये दुरुस्त करो। कल का जो हमारी बहन ने जो खुदकुश किया है इससे सबक सीखो। ये एक सबक है दारों के लिए, ये सबक है फोर्सेस के लिए। आप बताए ना, हम ये कारोबार ना करें, हमारे लोग डीजल का कारोबार ना करें, आप वोट इनका पकड़ते हैं, आप इनकी गाड़ियां पकड़ते हैं, ये काम बताओ, आके हमसे बताओ ये काम ना करो, हम आपको सहूलत देंगे, बताओ हमसे बैठ जाओ, लोग काम नहीं करेंगे। जब तक ये रवैये दुरुस्त नहीं होंगे हमारे इदारे, सुन ले बलूचिस्तान में, ये जो आज ये लहर गई चल रही है, हमारी बहन बलोच बहन जब अपने जिस्मों पे बम बांध रही है तो एक वजह तो है ना, शौक, कोई शौक पे कोई बम बांधता है? कोई पिकनिक के लिए अपने जिस्म पे बम बांधता है? दो बच्चों की माँ, दो बच्चों की माँ कहते हैं औरतें अपने बच्चों के लिए जीती हैं, कहते हैं औरतें अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देखती। मैं इदारों से पूछता हूँ, दो बच्चों की माँ अपने जिस्म पे बम बांध कर वो चली जाती क्यों? वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है? क्यों जिस्म पे बम बांधा? तुम्हारी वजह से, एफसी की वजह से, कोस्ट गार्ड की वजह से, फौज की वजह से, इदारों की वजह से, रियासती जुल्म की वजह से कि तुम बलूचिस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो, तुम साहिल बलूचिस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो, हमें अपना गुलाम समझते हो, हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हो, हमें इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसे रोकोगे इस मुजाहिमत को? कैसे रोकोगे इन जज्बों को? कैसे रोकोगे इन एहतजाज को? कुछ बलोच होंगे जो कोस्ट गार्ड के लिए दलाली करते हैं, कुछ होंगे जो एफसी के लिए दलाली करते हैं, लेकिन हर नौजवान, हर गैरतमंद बलोच वो कोस्ट गार्ड से नफरत करता है, वो एफसी से नफरत करता है। जंग रहेगा, जंग रहेगा, जब तक मजलूम तंग रहेगा, जंग रहेगा, जंग रहेगा। मैं कोस्ट गार्ड के जिम्मेदारों से सवाल है कि अगर ये काय ये बोट आप न पकड़ते पाकिस्तान डूब जाता? बताएं मुझे कोई कर्नल बताए कि पाकिस्तान को बहुत खतरा था, अगर ये न पकड़ते पाकिस्तान 4 टुकड़े हो जाता। तो मुझे कहते तो पकड़ लेता, अच्छे किए पकड़ा। के पानवार में मैंने गाड़ियां इसलिए पकड़ी, रावलपिंडी से रिपोर्ट था कि ये गाड़ी जो आप नहीं पकड़ेंगे बलूचिस्तान आजाद हो जाएगी, इसलिए मैंने पकड़ा था। मैं कैद
पेट से एक किलो की अब तू ही चेक पोस्ट, अब तू ही चेक पोस्ट कैच। वहाँ हमें एक किलो घी में इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि पंचकूर में जो जिन लोगों ने चेक पोस्ट पे हमला किया था उनके जिस्मों पे घी बांधा हुआ था। और एक डब्बा अलीस दूध का डब्बा मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, वो अलीस का दूध पी कर आया था इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। जालिम इतने बेरहम, तुम रियासत के खिदमत कर रहे हो, रियासत के खिलाफ कोस्ट गार्ड और एफसी रियासत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, रियासत के लिए काम नहीं कर रहे, रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हारे रवैयों से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तुम्हारे रवैयों की वजह से रोजाना मोर्चों पकड़ते हैं, गालियां देते हैं, रोजाना लोगों की तौहीन करते हो। अभी भी हमें इजाजत है, गेट जरा खोलते हम अंदर जाके देखेंगे, यहाँ ऐसा लगता है जैसे घी का फैक्ट्री है। और अभी ज्यादा इसलिए आप पकड़ रहे हैं, हमें पता है आप ज्यादा इसलिए गाड़ियां पकड़ रहे हैं कि ईद की शॉपिंग आपने करनी है गरीबों के घी से। आपने ईद की शॉपिंग करनी है गरीबों की गाड़ियों से। और एक तो बीजिंजो की हुकूमत है, बीजिंजो की हुकूमत है, हमारू चाहत कैसे बॉर्डर पचे, और फेसरा वस्ता बॉर्डर पचे, पहला नबी ये नबी ये खोजा बीजिंजो खोजे, बीजिंजो सच्चे शपा यक दंदे का नामा नगर है, सच्चे शपा हमा कारकन है। रू जवाब है मैं हुकूमत हमें चलाए लगा है पता मैं वाजे ये ताट कर रहा निष्ठ खोजा पाद कह मैं सारा भी पंचान करो सारे तेल मां कलो का मिशन सारा तेल जा प्रिंचित ये तो मर्तम जलील कोर कोस्ट गार्ड लगाम दो कस ने एफसीआरा लगाम दो कस ने मेरिन वाले ने लगाम दो कस ने मादर पाक ये जो बैठे में सवाल है ये कि बैठे हुए हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, मुझे पता है पाकिस्तानी नहीं है। आप सुबह सत्य शराब सिखाना कर सकते हैं कोस्टगार्ड गेट भी मुख्य तैरते ये सब पाकिस्तानी है। इनके हुकूक नहीं है, इनके हक नहीं है। मुझे इतना शक है अगर आप लोगों का मैं शनाख्ती कार्ड चेक करूं शायद इंडिया का निकले। पाकिस्तान की खिदमत क्या है, पाकिस्तान तुम्हारे पेट का नाम तो नहीं है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के कर्नल का नाम नहीं है। पाकिस्तान मेजर के कर्नल का नाम नहीं है, पाकिस्तान इन गरीबों का नाम है, पाकिस्तान मजदूरों का नाम है, पाकिस्तान यहाँ मेहनत करने वालों का नाम है, पाकिस्तान जर्नेलों कर्नेलों का नाम नहीं है।
हम लोग पास हमारे कोई हुकूम नहीं है इस मुल्क में, गरीबों का कोई हक नहीं है, बस तुम्हारे हाथ में बंदूक है। जब चाहे गाड़ियों को पकड़ लो, जब चाहे गरीबों को पकड़ लो, बस तुम्हारे हाथ में बंदूक है। ये बंदूक के अंदर जितनी गोलियां हैं, ये हमारे टैक्सों से, इनके टैक्सों से तुम खरीदते हो। तुम तनख्वाह लेते हो, हमारे टैक्स से तुम तनख्वाह लेते हो, हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं। लेकिन क्या मुल्क है? तनख्वाहदार गुलाम आका आका की चीजें चोरी करता है। तुम हमारे गुलाम हो, हम आका है, हम मालिक है, हम तुम्हें तनख्वाह, तुम चौकीदार हो, हम लोग मालिक है। चौकीदार मालिक के घर चोरी करता है, ये देखो अजीब मुल्क है। चौकीदार मालिक के घर के अंदर चोरी करता है, जिसको हम तनख्वाह देते हैं, जिसको हम पालते हैं। लेकिन ये चौकीदार किसका चौकीदार है? दरिया का चौकीदार, क्रिस्टल का चौकीदार, शीशे का चौकीदार, शराब का चौकीदार, कोस्ट गार्ड का काम क्या है? कोस्ट गार्ड क्यों बना है? उसका जरा बायलाग निकालो। कोस्ट गार्ड क्यों बना है? की के लिए? कौमी असेंबली में ये जब बिल पेश हुआ, इसको बनाया गया क्या कोस्ट गार्ड के बायलाज में ये लिखा हुआ है कि ये घी को नहीं छोड़ेगा? घी का दुश्मन है। जिला इंतजामिया में आइए भी लाते जिम्मेदारियां, एक का बदमाश हो मबा मर्दम परम है ना, लेवीज वाला तो निश्चेगा। ये चेक पोस्ट हमें कदा कोस्ट, जितने कोस्ट गार्ड के चेक पोस्ट है ये गैर कानूनी है। खैर कहीं आईन और कानून इजाजत नहीं देता कि सड़कों पर कोस्ट गार्ड के चेक पोस्ट बने। ये सिर्फ बत्ता के लिए बनाए गए हैं, बत्ताकूरी के लिए और मंशियात के कारोबार के तहफ्फुज के लिए बनाए गए। साफ बात है, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि सड़कों पर, रोड्स पर चेक पोस्ट कोस्ट गार्ड की बने, कोई इजाजत नहीं देता। जिला इंतजामिया जिम्मेदारियां, जिला इंतजामिया गरीबा की तहफ्फुज़ में काम, जिला इंतजामिया में माल है तहफ्फुज़ में काम, मैं जान है तहफ्फुज़ में काम। जिला इंतजामिया सह सब चक्कर फोन लोगो घप जा, मैं फोन कर गया फोन है घप जाता फोन को था फोन है घप जाता। नहीं मर्दम जेब करा, मर्दम बुरुआ कैंप पर जबरदस्ती होती गाड़िया पब करा, कानून कानून हाथ में लिए, बुरुआ कैंप पर होती चीजा चस्प करा। कौम है दे मशोबरदाश्त करे, अगर हम लोग अपनी कौम को कह दें, नौजवानों को कह दें कि कैंप के अंदर जा करके अपने गाड़ी अपने बोर्ड अपने सामान खुद उठाओ, कोई फोर्स नहीं रोक सकेगा, कोई फोर्स नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। कानून कानून हाथ में नहीं लो, कानून कौन किसका कानून? पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में किसने कहा कानून है? कानून सिर्फ गरीबों के लिए पाकिस्तान में और किसी के लिए नहीं है। कारोबार कोस्ट गार्ड वालों के लिए, इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत बड़ा इदारा है इंसाफ का,
वो तो 365 दिन में 300 दिन वो मरियम और बिलावल का केस सुनता है बस, और कुछ काम नहीं करता। अदालत का हमारे लिए उनको एड भी दूंगा सर, रोजगार का हमारे लिए डीसी साहब गुजारिश करें कि हमें कदम बोर्ड आरुचि को स्थगित करना है, पालवान में मर्दमानी सामान के तकनते कर रहे हैं मौजूद अंत मुआयदा भी कुत है कि माताएं ने वापस करने हंगा वापस कर सुबह सुबह दोपहर तुम्हारे वैसे दोपहर ने तो मर तुम कमाश कुरान कसम और तो ज्यादा लाए तक पास सीधा तक मैं रोग ना कर ले तुम्हारे जोरबान ने बोले पता भी मैं चुमे भरोसा करने बलूचिया था चुमा तेरा बलूच नहीं मैं सर भरोसा ना करने मैं बलूच ना नहीं और मन ने जो बलूच है पता नहीं क्या फोन बेचा मुआजा जमीन सब तो वक्त हम बलूचिया सामान कह रहा तो मुआजा को था अन्य भी पत्ता चटिया पत्ता दी रखा है, गाड़िया गिर गए, पानवा ना पत्ता दी रखा है, वापस कर दे वस्तगी दरना कर्तव्य को समझ जुबान सर के बांधा नहीं हम लगातार कि मैं कहर खोल रहा हूँ ये मंत्रालय बने हुए थे मेंबर ने सत्तरी मैं मेंबर आ गए थे मुली ने बलूचिस्तान में हमें बेहतर मेंबर ने सत्तरी दिया आया योजना किसे अपनी ले ले कस्टम एक कोर्ट कार एक किया संभाले साल का बर्बाद करने वाला साल को नाराज करने वाला इसका नाम घोष की दोई